हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, यानी के एक्सपायरी के लिए मेरे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, यहां से आगे मार्केट का क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल क्या रहेगा, कि यहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, रिकवरी देखने को मिल सकती है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और इस चैनल के ऊपर अभी नए आए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी और निफ्टी बैंक के ऊपर एनालिसिस वीडियो अपलोड करती हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियोस अपलोड करती हूँ और मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकता है इसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। साथ में स्टॉक्स के ऊपर भी आपको मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस मिलेंगे, लर्निंग के लिए वीडियोस मिलेंगे, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियोस मिलेंगे, साथ में शेयर मार्केट के रिलेटेड सारी अपडेट, सारी न्यूज आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मुझे आपको बतानी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के ऑप्शंस के अंदर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और डेली मिनिमम 3 से 4 हजार तक का प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आप मेरा प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज पर मंथ है। और यहाँ पे बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, ये मंथली बेसिस के ऊपर है। तो देखिए, यहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के लिए कॉल्स मिलते हैं, साथ में आपको स्टॉक्स भी मिलते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। फिक्स स्टॉप लॉस एंड टारगेट दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ना ही सिर्फ कॉल्स मिलते हैं, लर्निंग भी हो रहा है आपका, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक्स्ट्रा चार्ट जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ इंडिकेटर्स लगाकर मैं आपको वो प्रोवाइड करती हूँ, ताकि आपका नॉलेज भी बढ़े, आपको समझ में भी आए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको लर्निंग भी हो रहा है, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग भी हो रही है और आपकी अर्निंग भी हो रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज पर मंथ में मिल रहे हैं। प्रोसीजर क्या है पेमेंट का, ये बता देती हूँ आपको। इस UPI ID पे या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आपको पैसे सेंड करने हैं। पैसे सेंड हो जाने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे इस नंबर के ऊपर सेंड करना है, साथ में अपना नाम और नंबर भेज देना है। अगर आप जीपे से या फोन पे से पेमेंट नहीं कर सकते, ये QR कोड के जरिए अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपको अगर कोई और डिटेल्स चाहिए जैसे कि नेट बैंकिंग डिटेल्स, तो आप मुझे इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे वो प्रोवाइड कर दूंगी। फिर पेमेंट हो जाने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। तो इतना सिंपल है। और यहाँ पे ये जो पब्लिक चैनल है, इसको आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दिया हुआ है इस चैनल का। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने सही से URL कॉपी किया हुआ है, लेकिन टेलीग्राम का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ये यूजर नेम अगर सर्च करोगे तो आपको मेरा अकाउंट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजती हूँ एवरीडे, जो कि मेंबर्स के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट रहते हैं, और साथ में यहाँ पे आपको रोज एक डेमो कॉल मिलता है। और अब तक के जो भी डेमो कॉल्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, उसमें लोगों को 10 से 20 हजार तक का प्रॉफिट भी हुआ है। आज भी मैंने 2 कॉल्स प्रोवाइड किए थे। फर्स्ट कॉल के अंदर हमने अर्ली एग्जिट कर ली थी, क्योंकि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड था। लेकिन सेकेंड जो कॉल दिया मैंने, उसके बाद में जो मार्केट के अंदर उछाल हमें देखने को मिला, वो 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का हमें देखने को मिला, और जो दोनों ट्रेड्स थे वो दोनों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे हैं। आप ये चेक कर सकते हो डेमो कॉल्स। तो यहाँ से अभी अगर कल की बात करें, तो कल पब्लिक चैनल के ऊपर फ्री कोई कॉल नहीं मिलेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मुझे ऑलरेडी एक और ग्रुप हैंडल करना होता है। तो इसीलिए मैं इस ग्रुप में कल और फ्राइडे को 2 दिन नहीं डेमो कॉल प्रोवाइड करूंगी। तो जो भी लोगों को चाहिए कॉल्स, तो मेरा एक्सपायरी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो या फिर प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक्सपायरी ग्रुप के अगर बारे में बात करूं, तो यहाँ पे
सेम आपको मिलता है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए, एक्सपायरी के लिए आपको 400 रुपीज पे करना है। और जो भी मैंने अभी बताया आपको, जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए चार्ट, कॉल, स्टॉक्स जो भी है, वो एक दिन के लिए इस ग्रुप के अंदर मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो एक्सपायरी का ग्रुप ज्वाइन करना, तो आप एक्सपायरी का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो कल के लिए। तो इन्फॉर्मेशन सारी आपको इस पब्लिक चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। तो निफ्टी बैंक ने डेली चार्ट के ऊपर एक स्मॉल बुलिश कैंडल फॉर्म की है और 37,441 के पास क्लोजिंग दी है। 37,500 का लेवल फिलहाल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड नहीं रखा हुआ है निफ्टी बैंक ने। और आज की अगर बात करें तो आज की ओपनिंग ही बढ़िया थी, 37,384 के ऊपर ओपनिंग थी। और मैंने आपसे कहा था कि अगर निफ्टी बैंक 37,350 के ऊपर चला जाता है, स्टेबल होता है, तो यहाँ से एक अच्छी खासी रैली हमें 37,500 और 600 तक देखने को मिलेगी। तो निफ्टी बैंक ने ओपनिंग बढ़िया की 37,384 के पास। वहां से लो किया था 37,238 का, और वहां से हमें थ्रू आउट द सेशन निफ्टी बैंक आज अपसाइड के लिए भागता हुआ दिखाई दिया, और हाई कहाँ पे किया था, 37,891 के पास। तो आज जो ऑप्शंस के अंदर जो लोगों ने सी लिए थे उनका तो बढ़िया प्रॉफिट हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर भी मैंने कहा था जो भी प्रीमियम ग्रुप के अंदर है कि 600 तक निफ्टी यहाँ से जा सकता है, और यहाँ पे 600 के पास निफ्टी के लिए रिजेक्शन है, रेजिस्टेंस है। बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेरीज पूछी थी व्हाट्सएप के पर, तो मैंने कहा था कि 600 के पास रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस पार कर लिया तो और अपसाइड जाएगा, अदरवाइज यहां से एक फॉल एक्सपेक्टेड है। और निफ्टी के अंदर लास्ट हार में हमें फॉल देखने को मिला। निफ्टी अभी 400 के आसपास बंद हुआ है और 415 के पास बंद हुआ है कुछ। और अभी अगर बात करें तो निफ्टी ने 600 के पास रेजिस्टेंस फेस किया है, तो यहाँ से निफ्टी 300 से लेके 600 के बीच में ट्रेड कर सकता है। साथ में बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया, जिस वजह से निफ्टी और ज़्यादा गिरा। और आज अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था, अगर कंपेयर करें निफ्टी के साथ, तो निफ्टी उतना बढ़िया नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी हमने 3 से 4 ट्रेड के अंदर निफ्टी के अंदर प्रॉफिट बनाया है। और बैंक निफ्टी के अंदर तो लोगों ने 20,000 से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, और ये स्क्रीनशॉट मैंने डाले भी है। तो अभी अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने आपसे क्या कहा था कि 38,000 के ऊपर जब निफ्टी बैंक जाएगा तभी कुछ कंफर्मेशन हो सकता है, रिकवरी के चांसेस है निफ्टी बैंक के। तो फिलहाल आज तो अपसाइड के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला। निफ्टी बैंक ने ट्राई किया था 37,891 तक हाई किया था, उसके ऊपर नहीं जा पाया, और वहां से एक रेजिस्टेंस हमें फेस होता हुआ निफ्टी बैंक के लिए दिखाई दिया। और निफ्टी बैंक हमें वहां से कहां तक नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है, 37,350 तक निफ्टी बैंक हमें आज वहां से नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया। और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर फिलहाल 350 और 400 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है। तो यहां से आगे की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक के लिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, 36,500 का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक ने फिलहाल 36,500 को रिस्पेक्ट किया है और यहाँ तक हमें एक रैली देखने को मिली है। लेकिन अभी अगर निफ्टी बैंक 37,000 को ब्रेक करता है तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें 36,000 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज अपसाइड की बात करें तो अगर 37,500 के ऊपर सस्टेन कर लेता है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर, तो यहाँ से जो रैली है वो 38,000 और 38,350 तक हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी बैंक के अंदर। वही ऑप्शन चेन डेटा अगर देखें निफ्टी बैंक का, तो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन डेटा है। तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें 38,000 के लेवल के ऊपर दिख रहा है, वही कॉल साइड में सबसे ज्यादा राइटिंग भी हमें 37,800 से लेके 38,000 के ऊपर दिख रही है। तो यहां से अपसाइड के लिए 37,800 और 38,000 ये पूरा रेजिस्टेंस जोन रहेगा निफ्टी बैंक के लिए। वही सपोर्ट की बात करें तो देखिए 37,000 के ऊपर हमें अच्छा
खासा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, साथ में यहाँ पे पुट राइटिंग भी हमें अच्छी खासी देखने को मिली है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक के लिए डाउन साइड के लिए सपोर्ट भी बढ़िया बन चुका है। तो अगर हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक जल्दी से 38,000 को भी पार कर सकेगा। तो अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। तो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और यहाँ से सपोर्ट की अगर बात करें निफ्टी बैंक के लिए तो देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 37,350 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक इस लेवल को ब्रेक करता है या फिर इससे नीचे ट्रेड करता है 15 से 30 मिनट के लिए तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें 37,210 एंड 37,080 के तरफ गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 37,550 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक इस लेवल से ऊपर ओपन होता है या फिर इससे ऊपर ट्रेड करता है तो यहाँ से निफ्टी बैंक हमें 37,810 एंड 38,050 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन हमें एक्सपायरी मूव जो है वो देखने को मिलेगा। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड कीजिएगा और जो भी सेफ ट्रेडर्स है वो कल के दिन अवॉइड ही कीजिएगा या फिर एक दो ट्रेड लेके अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट को अवॉइड कीजिएगा, नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लेके निकलना है, अपना लॉस करके नहीं निकलना है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी मार्केट के अंदर। तो अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।